उसका सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हीर है, इसलिए क्योंकि इससे यूनिक पीस आपने कभी नहीं देखा होगा लाइफ में. कैरेक्टर को करेक्टर बोलती है, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलती है, बाबा जी की कसम उसकी बातें ही अलग है. और हीर इतनी नेचुरल है, हीर रंधावा फ्रॉम भटिंडा, एंड शी इज समन जो ड्राइव करती है इस पिक्चर को. बाकी स्टोरी ये है कि हीर ने अपने बेस्ट फ्रेंड हैप्पी सिंह, जो सरदार का रोल है हरप्रीत सिंह लांबा, उसको फ्रेंड जोन कर दिया है. और आजकल लड़कियां फ्रेंड जोन बहुत करती हैं सबको, और वो फ्रेंड जोन में सारे लड़के परेशान हैं. क्योंकि मैं जब ये गानों के शोज़ कर रहा हूँ हैप्पी आरडी हीर कॉन्सर्ट्स में, तो लोग कहते हैं कि यार हम हैप्पी टीम में से हैं. क्यों? क्योंकि वो सब फ्रेंड जोन हो चुके हैं. और शी फॉल्स इन लव विद हार्डी, हु इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, सक्सेसफुल अचीवर, इज अ गुजराती NRI बिजनेसमैन. और उसकी मोहब्बत में पड़ने के बाद, कैन वंस इन अ लाइफ टाइम हैपन ट्वाइस, डस शी कम बैक टू हैप्पी, या हैप्पी अपने फ्रेंड जोन में सेक्रीफाइस करता है. बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है लास्ट में कि आज की लड़कियाँ शादी में जो लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं उसमें एक सक्सेसफुल अचीवर देखती हैं. और प्यार मोहब्बत में शादी की कामयाबी के लिए पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या सिर्फ प्यार. ये मैसेज बहुत बड़ा निकल कर आता है, बिकॉज हीर का जो कैरेक्टर है वो बहुत सच बोलती है. सत श्री अकाल सारियां नूं, मैं हां तुहाडी अपनी सोनिया मान, ते जिन्ने कीती है हैप्पी हार्डी हीर, और हीर दा करैक्टर मैं निभा रही हां, जो मैं हां ओ मैं हां. बाबा जी की कसम मैं झूठ नहीं बोलती. बट अब हिंदी फिल्म है तो अब हिंदी में प्रमोशन कर दो, बिकॉज ये लोग हर चीज में पंजाबी डाल देते हैं. बट अब ठीक है, मेरी हैप्पी हार्डी हीर में जो हीर का करैक्टर है, करैक्टर कैरेक्टर नहीं, जो हीर का करैक्टर है वो मतलब बेसिकली हीर से बड़ा मैच खाता है. मतलब जो है अपफ्रंट, आउटस्पोकन, प्रैक्टिकल, और सच बोलती है, झूठ नहीं. इंग्लिश सुनते जाइए, माइंड ब्लोइंग. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस फिल्म में एज अ परफॉर्मर उस डिबेट को ख़त्म करना कि भाई हिमेश को एक्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर. सो बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज हैं लोगों के, विच आई अप्रिशिएट, यू नो. बट कहीं ना कहीं पिक्चर का बिजनेस भी होता रहा है, कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली. एक्सपोज में मुझे काफ़ी क्रिटिक्स ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, उसकी सीक्वल भी बनने जा रही है. सो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैं बार बार सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट कमिंग थ्रू द रेगुलर रूट. सो ये जो ऑड जर्नी है, उस जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा डिफिकल्ट था, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट. बट अब 31 जनवरी को वो पॉइंट ऑफ व्यू फिर पता चलेगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. एंड मैं जीतना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई मेरे बारे में वो पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो आई फील कि उसका अपना, उसको जीतना चाहिए. इट रियली मोटिवेट्स मी टू वर्क इवन हार्डर, सो आई एम ओके विद इट. देखिए, लव स्टोरी बहुत टाइम से नहीं आई है. कॉन्सेप्ट बेस्ड जितनी फिल्में हैं मैं देख रहा हूँ कि सारी आयुष्मान की चलती हैं, सुपर फिल्में हैं, बिकॉज इज अ ग्रेट एक्टर. बट कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्में में भी राइट कास्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्में कितनी आई हैं जिनको कामयाबी नहीं मिली है, बिकॉज दे डोंट हैव द राइट कास्ट. सो हर एक्टर के साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म बोलना जनरलाइज टर्म्स में ठीक नहीं है. मुझे लगा कि एक, मैंने म्यूजिक में इतनी कामयाबी देखी है, आई हैव नॉट डन अ लव स्टोरी अब तक. और एक रिलेटेबल जो फ्रेंड जोन का एंगल था, हीर का जो किरदार है, जो मैसेज है एंड में, वो बहुत ही, माने जो आज की लड़की का एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, और उस वो गलत नहीं है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ओवरऑल ये मोमेंट्स बहुत अच्छे लगे. एंड द स्क्रीन प्ले विच माई वाइफ डिड, डायलॉग्स बाय बंटी, दे वर ऑल सो रिलेटेबल कि मुझे लगा कि इसमें एज एन एक्टर मुझे जो करने को मौका मिलेगा, आई थिंक आई विल बी एबल टू विन देम ओवर, जो मुझे पसंद नहीं करते एज एन एक्टर. बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म, बहुत गुड लुकिंग फिल्म है, स्कॉटलैंड में बहुत अच्छी तरह शूट हुई है, कपड़े स्टाइलिश कपड़े, म्यूजिक है, रोमांस है, मोमेंट्स हैं, पर एक अच्छी कहानी है और कुछ बहुत सेंसिटिव परफॉर्मेंसेस हैं. मेरा बड़ा अच्छा रिएक्शन था वैसे तो, बट उस दौरान मैं थोड़ा सा, मेरा दिल ऐसे ऐसे भी कर रहा था क्योंकि मैं एक जर्नी से गुजर रही थी, क्योंकि मैंने एक फिल्म साइन की थी तो उसका वो शुरुआत
नहीं हो रही थी, हो रही वेट कर रही थी वेट कर रही थी, तो एक एक्टर की ना डेस्परेशन अंदर से बढ़ जाती कि कब शुरू होगी, कब शुरू होगी, कब शुरू होगी। तो उसी दौरान मुझे इनकी वाइफ ने मतलब ऑडिशन के लिए बुला लिया। तो मैं जब ऑडिशन के लिए गई तो उससे पहले ही मेरे दिल में था कि होगा नहीं होगा, बट मैं बाबा जी पे बहुत यकीन रखती हूँ और मैं मान के गई थी कि प्लीज हो जाए। जब हो गया तो हमने एक ही बात कही थी कि भाई तू जो ये कर रही है ऑडिशन, ये कैमरा में कर दे भी तो बहुत डिफिकल्ट है, अनडाउटेडली बहुत डिफिकल्ट है। वो उतना नेचुरल होना, आपकी अपनी लाइंस तो आप बोल देते हो, बट जब स्क्रिप्ट की लाइंस को आपको नेचुरली बोलना है विदाउट बीइंग कॉन्शियस द वे शी इज, दिस इज आर हीर रंधावा एंड दैट इज व्हाट शी इज डन सो ब्यूटिफुली कि आपको लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रही है, वो ब्यूटिफुली उसने परफॉर्म कर दिया। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से उसका करेक्टर, उसका केमिस्ट्री, वो सारी बातें नेचुरली आना, फोर्स एफर्टलेस होना बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा आया। एंड शी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स वाई प्रमोशंस में भी हमने पहले म्यूजिक को पोजिशन कर दिया, उसके लुक को एस्टेब्लिश कर दिया। सो नाउ इट वॉज द राइट टाइम दैट आपको पता चले कि हमारी हीर रंधावा फ्रॉम बठिंडा क्या है। Happy Adi Heer releases on the 31st of Jan and it's a beautiful film, it's a beautiful love story. और आपको श्योर किसी ना किसी ने फ्रेंड जोन किया होगा, नहीं किया होगा तो आप डेफिनेटली हार्डी टीम में से हो सकते हैं, जैसे मुझे फ्रेंड जोन नहीं किया गया कभी। लेकिन एट द सेम टाइम कितनी बार जिसको फ्रेंड जोन नहीं किया जाता वही अकेला रह जाता है, या फ्रेंड जोन जिसका हो जाए वो अकेला रह जाता है। तो हीर की एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है हैप्पी और हार्डी के साथ, बिकॉज हम कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, बट इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यह है कि कैन वंस इन अ लाइफ टाइम हैपन ट्वाइस, ये मैसेज बहुत ब्यूटीफुली निकल कर आता है हीर की प्रोग्रेसिव थिंकिंग में। गो एंड वॉच हैप्पी हार्डी एंड हीर ऑन द 31st ऑफ जैन। पंजाब में बोलते भाई? हाँ, जो सब इन्होंने इंग्लिश और हिंदी में बोल दिया वो मैं पंजाबी में बोल देती हूँ। माइंड ब्लोइंग। क्योंकि वो तो सारे समझ ही गए होंगे और पंजाब वालों को समझाने की जरूरत है। सो हमारी फिल्म आ रही है हैप्पी हार्डी हीर 31 जनवरी को, तुम सारे ने देखने ली जानी, अपनी फैमिली नाल देखने ली जाओ, तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगी, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। स्ट्रेस बर्स्ट, हाँ स्ट्रेस बर्स्ट, बाबा जी की कसम झूठ नहीं बोलती मैं। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू।